हम आज आप समेस गांव पहुंची हैं, त्रासदी की तस्वीर आपने देखी, हताहत लोगों से भी आपने बात की, क्या कहेंगे? ये एक तरह से दिल दहला देने वाली एक त्रासदी है जो हमारे हिमाचल के लोगों पे आई है, और हम सब बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बताऊं, के शब्द नहीं है लोगों के दुख के जो है, क्योंकि लोगों ने अपने पूरे पूरे परिवार खो दिए हैं, पूरे पूरे परिवार बच्चों के साथ रह गए हैं, और बहुत ज्यादा दहशत भी लोगों में है, लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। तो मैं यही चाहूंगी कि जितना जल्दी सरकार से मदद मिले। कई जगह हम देख रहे हैं, जैसे मलाना जैसी जगहें हैं डिस्कनेक्ट हो गई है, वो भी वहाँ लोग, गांव के लोग खुद आकर जो है वो पुल बना रहे हैं, खुद आकर अपने हाथ से काम कर रहे हैं। मैं नहीं देख रही कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी एक भी काम किया है। मैं नहीं देख रही कि यहाँ के जो मंत्री हैं एक भी ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, और ना मैं कहीं देख रही हूँ कि आके किसी को जो है किसी तरह का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से मैं आई हूँ, और अवश्य ही केंद्र सरकार जो है फंड्स देगी, लेकिन हम भी जानते हैं कि फंड्स पहले भी आए थे, लेकिन वो राज्य सरकार के पास ही आते हैं, और राज्य सरकार के माध्यम से ही जो फंड्स जो है वो लोगों तक पहुंचते हैं। ना पिछले फंड्स का कुछ अता पता है, और अब जो फंड्स देंगे अब उसका अता पता तो अब, जैसे कि हमारे बजट में भी कहा है कि हम जो है बढ़ा के जो फंड देंगे, सीतारमण जी ने जो हमारी माननीय वित्त मंत्री है उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है। अब केंद्र सरकार कर रही है और करेगी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आएगा तो ये जिसे मैं कहती हूँ खड्डा जो है, जो इनका सुखू जी ने जो खड्डा बनाया हुआ है, तो आएगा तो उस खड्डे के थ्रू। अब उस खड्डे के थ्रू यहाँ पहुंचेगा कि नहीं वो तो बस भगवान ही जानता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे जो इसका जो दुर्भाग्य हो गया है कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, अभी तो जब से ये आई है तब से दो इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो है त्रासदियां हो गई हैं, और कुछ नहीं तो त्रासदी का भी मैंने संसद में जो मुद्दा उठाया था वहां से तो अभी विस्थापितों का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब फिर से जो त्रासदी आई है मैं देख रही हूँ, लोग गाँव के लोग खुद जाके जो है सड़कें बना रही है, और सुखू जी को जाके बताना चाहिए कि गाँव के लोग काम कर रहे हैं, इनके कहाँ है रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं नहीं हो रहे हैं। मैम आपने मुआवजा को लेकर सवाल उठाया, आपने कई गांव के दौरे किए और लोगों की परेशानी जानी, लेकिन जो सरकार के मंत्री आते हैं वो कहते हैं कि हम उन योजनाओं पे काम कर रहे हैं जो कि नदी नालों के पास जो घर बने हैं उनको हटाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, आप किस तरीके से देखिए? जो भी विस्थापित है उनको सरकार का जो है वो फंडिंग रहती है, उनके लिए जमीन भी होती है और घर भी बनाए जाते हैं, निर्माण भी किए जाते हैं, लेकिन मुद्दा फिर से वही आता है कि ये होगा तो सब कुछ सीएम जी के थ्रू होगा ना। मैं तो चीजें अपने हाथ में, तो आपकी सरकार, आप कानून अपने हाथ में तो नहीं ले सकते, लेकिन इस बात का हम 100% आश्वासन देते हैं कि पहले भी जो है हजारों करोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए हजारों करोड़ भेजे थे, अभी भी भेजेंगे और भेज रहे हैं, लेकिन क्या सुखू जी को इन जो त्रासदी से जो ग्रस्त लोग हैं इन तक पहुंचाएंगे कि नहीं, वो आप लोगों का काम है वो पूछना, तो आप उनसे पूछिए। हिमाचल जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है, लय और ताल का लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है हिमाचल की प्रतिभा का। ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाली हिमाचल के टॉप 20 डांसर्स के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए, विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कॉम्पिटिशन की हर अपडेट।